गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने पढ़े थे स्वर और व्यंजन। क्या पढ़े थे? स्वर और व्यंजन। आज हम पढ़ेंगे शब्द रचना। क्या पढ़ेंगे? शब्द रचना। आज हम शुरू करते हैं शब्द रचना। क्या है ये? शब्द रचना। अब हम पढ़ेंगे शब्द रचना। वर्ण से मिलकर क्या बनता है? दो वर्णों से मिलकर क्या बनता है? एक शब्द। क्या बनता है? एक शब्द। अब हम क्या पढ़ेंगे? क्या बनाएंगे? शब्द। ये क्या है? ये एक वर्ण है। और ये क्या है? ये भी एक वर्ण है। इन वर्णों से मिलकर क्या बना? इन वर्णों से मिलकर बना एक शब्द। क्या बना? एक शब्द। जैसे ये क्या है? ये है वर्ण फ। और ये क्या है? ये है वर्ण ल। क्या है? ल। तो ये क्या हो गया? फैल फैल। क्या हो गया? फैल फैल। ये क्या है? है। क्या है? है। वर्ण है। और ये क्या है? ये है वर्ण ल। क्या है? ल। कितने वर्ण हो गए? दो वर्ण। दो वर्ण से मिलकर क्या बनता है? एक शब्द बनता है। क्या बनता है? एक शब्द बनता है। हमने पहले भी पढ़े हैं दो वर्ण के शब्द। ये क्या है? हैल हैल। ये क्या है? घै। और ये क्या है? रे। क्या है? घैर घर घैर घर। ये क्या है? धै। क्या है? धै। और ये क्या है? न। क्या है? न। तो ये क्या हो गया? धै न धन। क्या हो गया? धै न धन। ये क्या है? वह। क्या है? वह। और ये क्या है? न। क्या है? न। तो ये क्या हो गया? वन। क्या हो गया? वन। ये क्या है? थै। क्या है? थै। और ये क्या है? न। ये क्या है? एक वर्ण है। और ये भी क्या है? एक वर्ण है। तो ये क्या हो गया? थै न थन। थै न थन। जय ग। जय ग। क्या हो गया? जग। जय ग जग। ठग ठग ठग। ठग 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 ठग। ये क्या है? ये एक वर्ण है। और ये भी क्या है? ये भी एक वर्ण है। इन दोनों वर्णों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? शब्द। क्या बनेगा? शब्द। तो ये क्या हो गया? ठग ठग। टैप टैप टप टैप टप। रथ 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 रथ। बस 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 बस। वक 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 वक। ये क्या एक वर्ण है? और ये भी क्या एक वर्ण है? तो ये क्या हो गया? वक। क्या हो गया? वक। हम इनको फिर से पढ़ने का प्रयास करते हैं। फैल फल। हैल हैल। घर घर। धन धन। वन वन। थन थन। जग जग। ठग ठग। टब टब। रथ रथ। बस बस। वक 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 वक। अब हम क्या करते हैं? दो वर्ण के शब्द को लिखने का अभ्यास करते हैं। क्या करते हैं? लिखने का अभ्यास करते हैं। क्या करते हैं? अभ्यास करते हैं। ये क्या है? न। और ये क्या है? ट। ये क्या है? न एक वर्ण है। और ट भी क्या एक वर्ण है। इन दोनों वर्णों को साथ में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? इन दोनों वर्णों को साथ में मिलाते हैं तो क्या बनेगा? ये एक शब्द बन गया। क्या बन गया? एक शब्द बन गया। तो ये क्या है? नेट है। साथ में बोलेंगे इनको नेट। क्या होगा? नेट। ये क्या है? ट। और ये क्या है? ब। इन दोनों को साथ में बोलेंगे तो क्या बनेगा? टैब टब। टैब टब। ये क्या है? ब। और ये क्या है? क। ये क्या है? एक वर्ण है। और ये भी क्या है? एक वर्ण है।
इन दोनों वर्णों को साथ में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? एक सब बनेगा। और ये सब क्या हो गया? बैक बक, बैक बक। ये क्या है? कह है। और ये क्या है? रे है। इन दोनों को साथ में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? कर कर, कर कर। ये क्या है? रे है। और ये क्या है? स है। इन दोनों को साथ में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? रे स रस। ये क्या है? स है। और ये क्या है? रे है। इन दोनों को साथ में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सर सर। क्या है ये? ये शब्द रचना है। क्या है? वर्णों से मिलके क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। आज हमने क्या बनाए हैं? शब्द बनाए हैं। ये क्या है आपका? एस डब्लू। आपको क्या करना है? क्या करना है आपको? पहले अपनी बुक से शब्द रचना, दो वर्ण के शब्द को पढ़ने का बार बार अभ्यास करना है। क्या करना है? बार बार अभ्यास करना है। फिर अपनी नोटबुक के अंदर वर्णों से क्या बनाना है आपको? शब्द बनाना है। क्या बनाना है? वर्ण से क्या बनाना है? शब्द बनाना है। कितने वर्णों के शब्द बनाने हैं? दो वर्णों के शब्द। दो वर्ण से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। तो आपको क्या करना है? दो वर्णों से शब्द बनाने हैं। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नया टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।